महत्वाकांक्षा के ज्वर से मुक्ति। महत्वाकांक्षा की धुरी पर घूमने वाला जीवन वृत्त ही नरक है। महत्वाकांक्षाओं का ज्वर जीवन को विषाक्त कर देता है। जो इस ज्वर की हवाओं से उद्वेलित हैं, शांति का संगीत और आत्मा का आनंद भला उनके भाग्य में कहां? वे तो स्वयं में ही नहीं होते हैं, और शांति का संगीत एवं आत्मा का आनंद तो स्वयं में होने के ही फल हैं। बड़ी सहज जिज्ञासा है, इस महत्वाकांक्षा का मूल क्या है? इसका उत्तर भी उतना ही सहज है, हीनता का भाव, अभाव का बोध। हालांकि ऊपर से दिखने में हीनता का भाव और महत्वाकांक्षी चेतना परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे एक ही भाव दशा के दो छोर हैं। एक छोर से जो हीनता है, वही दूसरे छोर से महत्वाकांक्षा। हीनता ही स्वयं को ढकने छिपाने के प्रयास में महत्वाकांक्षा बन जाती है। अपनी इस कोशिश में वह स्वयं को ढक तो लेती है, पर मिटती नहीं। और ध्यान रखने की बात तो यह है कि किसी भी रोग को ढकने भर से कभी भी कोई छुटकारा नहीं है। इस बात ही रोग मिटते नहीं, वरन पुष्ट ही होते हैं। व्यक्ति जब स्वयं की वास्तविकता से दूर भागता है, तब तक वह किसी न किसी रूप में महत्वाकांक्षा के ज्वर में ग्रसित होता रहता है। स्वयं से दूर भागने की आकांक्षा में वह स्वयं जैसा है उसे ढकता है और भूलता है। लेकिन क्या हीनता की विस्मृति और उसका विसर्जन एक ही बात है? नहीं, हीनता की विस्मृति हीनता से मुक्ति नहीं है। इससे मुक्ति तो स्वयं को जानकर ही है, क्योंकि स्वयं से भागना ही वह मूल और केंद्रीय भाव है जिससे सारी हीनताओं का निर्माण होता है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त इस आंतरिक अभाव से और महत्वाकांक्षा के ज्वर से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। जो अपने आप को जानने, उसमें जीने और जागने का साहस करते हैं, उनके लिए शून्य ही पूर्ण बन जाता है। फिर ना हीन भाव रहता है और न उससे उपजने वाला महत्वाकांक्षा का ज्वर। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।